गया जिले के बारचट्टी थाना क्षेत्र के सरवा बाजार निवासी राजू कुमार चौधरी के घर मंगलवार की रात्रि में बारचट्टी के थाना पुलिस अचानक राजू चौधरी के घर पहुंचती है। सोए हुए परिवार को जगाने की कामना न कर पुलिस उसके मकान के पिछले भाग से मकान में प्रवेश करती है। राजू चौधरी और उसका भाई सोए हुए अवस्था में पाए जाते हैं। पुलिस उन दोनों को अचानक उठाकर थाने लाने के प्रयास करती है। राजू चौधरी के परिवार में महिला पत्नी ने अपनी बातों को प्रशासन में रखते हुए कहा कि आखिर क्यों आप रात में आकर मेरा दरवाजे खुले हमारे परिवार को ले जा रहे हैं, कौन सा जुर्म किया है। लेकिन पुलिस एक भी नहीं सुनती है और दोनों भाई को उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाती है। और उसके बाद पुलिस क्या करती है, और राजू चौधरी का भाई का कहना है कि गाड़ी में मारते पीटते हुए लाया गया, थाना में पीटा गया, बंदूक का कुंडे से भी जीता जागता निशान मृतक राजू चौधरी की बॉडी पर प्रतीत होता है। थाने के द्वारा गिरफ्तार शराब के मामले में राजू चौधरी को बुधवार उत्पात केस में गया जेल में लाया जाता है। गया जेलर राजू चौधरी की स्थिति देखकर जेल में नहीं लेता है तो फिर उसे बारचट्टी पुलिस के द्वारा इलाज के लिए गया मेडिकल लाया जाता है और मेडिकल में राजू चौधरी का इलाज होता है। दो दिन के बाद शुक्रवार के रात राजू चौधरी की मौत हो जाती है, जिसकी सूचना राजू चौधरी को परिवार को शनिवार को सुबह मिलती है। सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा जाता है और कोहराम मच जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। गौरतलब है कि मृतक राजू चौधरी के हाथों की उंगली टूटी हुई दिखाई देती है और पैर के तलवों में मारने का निशान, शरीर में कई जगह काले धब्बे पड़ जाते हैं और मार का निशान प्रतीत होता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीताराम मांझी व राजू चौधरी के आवास शर्मा पहुंचते हैं और उनके परिवार से सारी घटना की जानकारी लेते हैं। सारी घटना को अखबार की खबर सही प्रतीत होती है कि राजू चौधरी की मौत पुलिस के पीटने से हुई है और क्षेत्रीय विधायक का ज्योति मांझी भी मृतक व्यक्ति के परिवार को हिम्मत देने की कामना की है और उनके आवास पर पहुंचे।